ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो आपको जिस तरीके से किसी भी देश के आधार की अगर हम बात करें तो उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है। और आज उसी महान शख्स की जयंती है जिसे देश की एकता का सूत्रधार कहा जाता है। पूरा देश आज लोह पुरुष, महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल मनाया जाता है। 2014 से हर साल ये दिन मनाया जाता है। तो आज कई जगह पर राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर दौड़ का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही और भी अन्य तमाम कार्यक्रमों आज पूरे देशभर में आयोजित होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। शौर्य के सिरमोर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी राजधानी यानी रायगढ़ किले की अभेद्य प्राचीर की प्रतिकृति यहां बनाई गई है, जो इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को मातृभूमि के प्रति समर्पण का संदेश दे रही है। इस अजय दुर्ग की पृष्ठभूमि में भारतीय पुलिस बल के बहादुरों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व अभिनंदन किया। एकता दिवस परेड में 54 राज्य पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज, जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है, पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। 54 ध्वज वाहकों में लहराते हुए ये प्रत्येक ध्वज अपने आप में कई वीर गाथाओं को समेटे हुए एक भारत के लिए कटिबद्ध होने का संदेश दे रहे हैं। इनमें से कई ध्वजों को निशान का सम्मान भी प्राप्त है। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां शक्ति का सच्चा स्वरूप राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े ही गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्र ध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं।
संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में हमारा भारत महाशक्ति की तरह उभर रहा है और इस सशक्त भारत की पहचान है एकता एवं अखंडता। इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करते हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हम सभी शपथ की मुद्रा में खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करके शपथ को दोहराएंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। भारतीय पुलिस बलों की गौरव गाथा हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के पहले दस्ते के रूप में अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के अब तक 36,000 से भी अधिक जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। इनमें से विगत वर्ष 216 पुलिस कार्मिकों ने देश की एकता और अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए बलिदान और शहादत की नई इबारत लिखी है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज।
आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी बलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस, वर्तमान में अमरेली के सावरकुंडला में पदस्थ और इस समय राष्ट्रीय एकता दिवस की कमान संभालते हुए। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का शुभारंभ बैंड की जोश भरी धुन पर गर्व से आगे बढ़ते भारतीय पुलिस बल के जवान। राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के मद्देनजर भारत वर्ष के समस्त राज्यों को 5 जोन में रखा गया है। इस वर्ष प्रत्येक जोन से 2-2 राज्यों के पुलिस बल इस परेड में शामिल है, जिससे यह परेड अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड बन गई है, जिनमें 10 राज्य पुलिस बल और 4 केंद्रीय पुलिस बलों सहित एनसीसी कैडेट्स शामिल हैं। भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। भारत की बेटियों की सदैव उन्नति के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख राष्ट्रीय एकता परेड में पहली बार ध्वजवाहक दस्ते की कमान संभाली है भारत की एक बेटी ने, जो है बीएसएफ की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ कंटीजेंट की कमान संभाली थी। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी बलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल बिहार पुलिस तीव्रता से आगे बढ़ते हुए इस दस्ते की कमान संभाले हैं डीएसपी अमन। तत्पश्चात बिहार पुलिस के ठीक पीछे अरुणाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले हैं डीएसपी ताबा बिरोई। विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स का दस्ता नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर नैना। सेवा कटिबद्धता के ध्येय के साथ अब अग्रसर है राजस्थान पुलिस का दस्ता, कमान संभाली है डीएसपी सुशील मान। और तीव्र गति से अग्रसर कर्नाटक पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट उपन्ना। कर्नाटक पुलिस के ठीक पीछे तीव्र गति से आगे बढ़ता दिल्ली पुलिस का दस्ता कमान संभाले एसीपी चंदन जीएस। और अब गर्व से सलामी मंच की ओर अग्रसर सीआईएसएफ का दस्ता कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट दर्शक सिंह। सीआईएसएफ के बाद आगे बढ़ता दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता, कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट बलविंदर सिंह। और अब हिमालय शीत रड़तालिए आगे बढ़ता आईटीबीपी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कलकल। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता, कमान संभाली है डीएसपी जुवल सितारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता, कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट सिरधर राजा।